चलिए दोस्तों देखते हैं कि सुपर मेश एनालिसिस क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि जो मेश एनालिसिस है वो केवीएल प्लस ओम्स लॉ का एक्सटेंशन है, और मेश एनालिसिस जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पर इम्प्लीमेंट की जाती है। जब हमारे पास मान लीजिए मेश एनालिसिस में दो लूप के बीच में एक करंट सोर्स कॉमन हो जाए, तब हम मेश एनालिसिस यूज नहीं कर सकते सर्किट में, इसीलिए हम सुपर मेश एनालिसिस यूज करते हैं। सुपर मेश एनालिसिस जो होती है वो केवीएल प्लस केसीएल प्लस ओम्स लॉ का एक्सटेंशन है। इस क्वेश्चन को इंजीनियरिंग सर्विसेज में दो बार पूछा गया है कि सुपर मेश एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन दिए जाते हैं केवीएल, केवीएल प्लस केसीएल, केवीएल प्लस केसीएल प्लस ओम्स लॉ और नन ऑफ दिस। ओके, सिमिलरली मेश एनालिसिस किस बेस पर इम्प्लीमेंट की जाती है, ये भी एक क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है सुपर मेश एनालिसिस को किसी सर्किट में। देखिए इस सर्किट में हमारे पास तीन लूप हैं। एक लूप है ए बी सी एच जी ए, इसमें मान लेते हैं जो करंट है, लूप करंट है आई वन है, वो क्लॉकवाइज है। सिमिलरली सेकंड लूप जो है जी एच ई एफ जी, इसमें मान लेते हैं करंट आई टू है जो कि क्लॉकवाइज है। सिमिलरली हमारे पास एक लूप थ्री है सी डी ई एच सी, जिसमें करंट आई थ्री है वो भी क्लॉकवाइज है। जनरली हम करंट को क्लॉकवाइज एज्यूम करते हैं, लूप करंट को हम क्लॉकवाइज एज्यूम करते हैं, क्यों, ये एक कन्वेंशन है। ओके, तो चलिए देखते हैं, हमने तीन लूप चूज कर लिए। तो चलिए लूप वन में अब हम मैच इक्वेशन को लिखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था जब हमें मैश इक्वेशन लिखनी है तो हमें एक लूप चूज करना है। तो मान लीजिए मैंने लूप वन ए बी सी एच जी ए चूज करा, तब हम सबसे पहले मूव करेंगे करंट की डायरेक्शन में और देखेंगे कि जो वोल्टेज सोर्स है उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप आई है या फिर वोल्टेज गेन आई है। लूप एल वन में ए बी सी एच जी ए में अगर मैं ट्रेवल करता हूँ करंट की डायरेक्शन में जो कि क्लॉकवाइज है, तो करंट ट्रेवल कर रहा है ए से बी की तरफ, तो ए से बी की तरफ जब मैं मूव करता हूँ तो वोल्टेज ड्रॉप कितनी आ रही है, मैं ए जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है जो, और मैं मूव कर रहा हूँ बी की ओर जो कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कनेक्ट है, तो मैं एक्चुअल में कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, मैं ए से बी पर मूव कर रहा हूँ, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर। सो मेरे पास कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया, माइनस वन का। अब देखिए लूप करंट क्या है, आई वन, तो आई वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लूप रेजिस्टेंस कितनी है, वन प्लस वन टू ओम, तो हैंस टू आई वन। अब देखते हैं हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है एंटी लूप करंट को। तो देखिए जो वन ओम की रेजिस्टेंस है जो कि कनेक्ट की गई है एच और सी के बीच में, उसमें आई थ्री करंट भी फ्लो कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस आई थ्री। सिमिलरली जो जी और एच के बीच में वन ओम के रेजिस्टेंस कनेक्ट की गई है उसमें आई टू करंट फ्लो कर रहा है, तो ये एंटी लूप करंट है इस एल वन के लिए, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस वन इंटू आई टू। तो मैंने यहाँ पर लूप वन की मैथ इक्वेशंस लिख ली है। अगर किसी को समझ नहीं आई है तो वो प्रीवियस लेक्चर हमारा जो मैश इक्वेशन का उसको जाकर स्टडी कर सकता है, देख सकता है और अपनी रेफरेंस के लिए। अब देखिए अगर मैं लूप टू और लूप थ्री की मैश इक्वेशन लिखूं तो मैं लिख नहीं सकता हूं, क्योंकि हमें पता है मैश एनालिसिस जो है वो केवीएल का एक्सटेंशन, और यहां पर एच और ई ब्रांच में टू एम्पियर का करंट सोर्स लगा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितनी है ये मुझे नहीं पता है, और जब तक मुझे वोल्टेज ड्रॉप पता नहीं होगी मैं मैश एनालिसिस नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं लूप टू में और लूप थ्री में मैश इक्वेशन नहीं लगा सकता। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, अब हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारे पास सर्किट था, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं जो हमारा करंट सोर्स है एच और ई के ब्रांच में जो लगाया गया है टू एम्पियर का, उसके अक्रॉस वी वोल्टेज है। ओके, सो अब मैं मान लेता हूँ ये जो प्लस वी वोल्ट जो 2 एम्पियर के अक्रॉस है वो एक वोल्टेज सोर्स है, और इसको कंसिडर करते हुए मैं लूप L2 को लिखता हूँ। तो मुझे पता है सबसे पहले जब मैं लूप L2 में मैश इक्वेशन लिखूंगा तो मैं जितने भी वोल्टेज ड्रॉप्स हैं वोल्टेज सोर्सेस के अक्रॉस उनको लिखूंगा, तो ये F से G की तरफ ट्रेवल करता हूँ करंट की डायरेक्शन में, लूप करंट की डायरेक्शन में। जब मैं लूप करंट की डायरेक्शन I2 में जो कि क्लॉकवाइज है उसके अक्रॉस उसके हिसाब से प्रेजेंट लूप L2 में मूव करता हूँ, तो मैं F से G पे जाता हूँ, तो मेरे पास वोल्टेज गेन हो जाएगा प्लस वन वोल्ट।
सिमिलरली अगर मैं करंट की डायरेक्शन में मूव करता हूँ फ्रॉम एच टू ई, तो मेरे पास करंट ड्रॉप कितना हो जाएगा, माइनस वी, और वो किसके बराबर होगा, लूप रेजिस्टेंस 1 × I2। सिमिलरली एंटी लूप रेजिस्टेंस कौन सी है, 1 × −I1, तो −I1 हो गया। ओके, सिमिलरली जब मैं लूप 3 की क्वेश्चन लिखूंगा तो मुझे बताइए लूप 3 में कोई वोल्टेज सोर्स है, नहीं, जीरो। अब और वोल्टेज सोर्स जिसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ, जो कि 2 एम्पियर के अक्रॉस अप्लाइड किया गया है, उसके अक्रॉस अगर I3 के की डायरेक्शन के हिसाब से मैं ट्रेवल करूँ E2H, तो मेरे पास कितना वोल्टेज गेन आ रहा है, प्लस V का, वो किसके बराबर होगा, लूप रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय लूप करंट, 1 + 1 × I3। अब एंटी लूप रेजिस्टेंस कौन सी है, तो 1 ओम की रेजिस्टेंस जो H और C के बीच में कनेक्ट है, उसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ −1 × I1। अब अगर मैं लूप 2 और लूप 3 इक्वेशंस को ध्यान से देखूं, तो मैंने अपनी एग्जैक्ट इक्वेशंस लिख ली है और KVL भी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया गया है। अगर मैं L2 + L3 को ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या मिलेगा, +1 + 0 = I2 − I1 + 2 I3 − I1। चलिए इस इक्वेशन को डिटेल में देखते हैं। इस एक्चुअल में ये इक्वेशन ही हमारी सुपर मैश एनालिसिस इक्वेशन है। इसमें हमने दो जो एडजेसेंट लूप हैं जिसमें करंट सोर्स कॉमन है, उसमें करंट सोर्स को नेगलेक्ट करते हुए दोनों इक्वेशंस को, दोनों की मैश इक्वेशन को लिख दिया है। ओके, जब हमने सुपर मैश इक्वेशन लिख दी है, तो अब हमें क्या लिखना है, I2 और I3 के बीच में अगर देखें तो क्या रिलेशन होगा। तो देखिए, लूप जो H और E के ब्रांच में कॉमन करंट सोर्स है 2 एम्पियर का, वो कैसे रिलेट करेगा I2 और I3 को, ये जान लेते हैं। इसके लिए हम KCL यूज करते हैं। देखिए, H और E में मेरे पास 2 एम्पियर का सोर्स करंट सोर्स है, इसमें जो करंट ट्रेवल कर रहा है वो E से H की तरफ ट्रेवल कर रहा है, यानी कि अपर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 2 एम्पियर का। अब देखिए, इसके जो लेफ्ट साइड में वो I2 करंट फ्लो कर रहा है, कितना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो I2 फ्लो कर रहा है H2 E डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर मैं 2 एम्पियर सोर्स करंट सोर्स के राइट में देखूं, तो I3 करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और फ्रॉम E2 H, तो हैंस H और E ब्रांच में दो करंट फ्लो कर रहे हैं, एक तो I2 है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और एक I3 है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, पर नेट करंट जो है वो 2 एम्पियर ही है। तो अगर ब्रांच H और E को देखें, E2H 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, E2H ही मेरा, तो E2H में नेट करंट कितना हो जाएगा, अगर मैं I3 को पॉजिटिव मानूं और I2 को नेगेटिव मानूं, तो E2H I3 − I2 हो जाएगा। पर ब्रांच H E में एक ही करंट फ्लो होगा जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 2 एम्पियर, तो हैंस आई कैन राइट 2 = I3 − I2। ओके, तो जो हमने लूप इक्वेशन ऐड करते हुए L2 + L3 को लिखी थी, वही हमारी सुपर मैश एनालिसिस इक्वेशंस है। तो जनरली जब हम सुपर मैश एनालिसिस करते हैं, उसमें हम दो एडजेसेंट लूप की इक्वेशन साइमल्टेनियसली लिखते हैं और करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को निगलेक्ट करते हैं, और जो दो कॉमन लूप्स होते हैं उसके अक्रॉस जो करंट होते हैं वो कैसे रिलेट किए जाते हैं, KCL के थ्रू। ओके, तो कंक्लूजन देख लेते हैं। इन सुपर मैश एनालिसिस वी साइमल्टेनियसली राइट द मैश इक्वेशन ऑफ टू लूप्स हैविंग करंट सोर्स एज कॉमन ब्रांच नेगलेक्टिंग द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द करंट सोर्स, एंड टू लूप करंट्स को हम रिलेट करते हैं किससे, KCL से। ओके, तो आई होप इस लेक्चर में आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप सर्किट में सुपर मैश एनालिसिस करेंगे जब मैश एनालिसिस आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम मैश एनालिसिस, सुपर मैश एनालिसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।